तो भाई जल्दी हमें इंडियन मार्केट में वीवो की फ्लैगशिप सीरीज वीवो X90 सीरीज लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाला है। इससे रिलेटेड कुछ लीक्स हमारे सामने आई हुई है, जहाँ पे भाई इंडिया में कब लॉन्च होगा, कौन सी प्राइस के साथ में लॉन्च होगा और कौन सी स्पेसिफिकेशंस के साथ में लॉन्च होगा, सारी बातें पता चल चुका है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बात कीजिए भाई, देखिए वीवो X90 सीरीज में हमें टोटल दो स्मार्टफोन वीवो X90 और X90 प्रो देखने को मिलने वाला है और दोनों की स्पेक्स 99% सेम ही है, बस हल्का से कैमरा में डिफरेंस है जो मैं आपको साथ में ही बता दूंगा। बात की जाएगी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पे हमें 6.78 इंच की एक फुल HD प्लस 120Hz रिफ्रेश साथ में एक AMOLED पैनल देखने को मिलेगा और यहाँ पे हमें कर्व डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे हमें HDR10 का सपोर्ट, वाइड वन L1 सर्टिफाइड भी देखने को मिल जाएगा। बात की जाए तो भाई ओवरऑल डिस्प्ले तगड़ा और शानदार है। बात कीजिए प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे हमें MediaTek Dimensity 9200 वाला प्रोसेसर, UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप, LPDDR5 के रैम टाइप देखने को मिल जाएगा। तो ये प्रोसेसर भी एकदम तगड़ा और शानदार है। बात कीजिए कैमरा सेटअप के बारे में, तो हल्का सा चेंजेस है यहाँ पे। जैसे कि वीवो X90 की बात की जाए तो बैक में हमें 50 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 50 MP का मेन कैमरा और 12-12 MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल और एक टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाएगा। बट उसी जगह पे X90 प्रो की बात की जाए, 50 MP का मेन कैमरा देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बट सेकेंडरी भी 50 MP का और जो थर्ड वाला होगा वो 12 MP का देखने को मिल जाएगा। बस यहाँ पे यही चेंजेस और बाकी सब स्पेक्स सेम ही है। यहाँ पे हमें दोनों में 32 MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। बात कीजिए बैटरी और चार्जर के बारे में, तो यहाँ पे हमें 4800 mAh की बैटरी और 120W का फास्ट चार्ज का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। और देखिए वीवो की तरफ से ये फोन आ रहा है, तो जहाँ तक चांसेस है कि यहाँ पे हमें बॉक्स में भी 120W का चार्जर देखने को मिल सकता है। बात कीजिए UI के बारे में, तो यहाँ पे हमें आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 13 और फन टच OS 13 पर रन करता हुआ देखने को मिलने वाला है। बात कीजिए बिल्ड क्वालिटी डिजाइन के बारे में, तो भाई डिजाइन बिल्ड क्वालिटी एकदम शानदार है। यहाँ पे हमें ग्लास बैक देखने को मिलेगा और ओवरऑल बात कीजिए भाई डिजाइन एकदम बढ़िया है, लेदर वाली फिनिशिंग देखने को मिलेगी, मतलब लगेगा भाई एक प्रीमियम फोन आप यूज कर रहे हो। बात कीजिए सेंसर्स के बारे में, तो यहाँ पे हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक का सपोर्ट, USB टाइप सी का पोर्ट, यहाँ पे हमें कोई भी 3.5 mm वाला गड्ढा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलेगा और डुअल सिम कार्ड का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है और जो छुटक मुटक सेंसर्स होते हैं सारे के सारे सेंसर्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। बात कीजिए भाई इंडिया में कब लॉन्च होगा और कौन सी प्राइसिंग के साथ में, तो ऐसी लीक आ रही है कि हमें इंडियन मार्केट में 26 अप्रैल के दिन लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकता है। बात कीजिए प्राइसिंग के बारे में, तो X90 जो होगा उसकी प्राइसिंग अराउंड 65,000 देखने को मिलेगी, 60 से 65,000 के बीच में देखने को मिल सकती है और जो X90 प्रो होगा वो हमें लगभग लगभग आराम से 70 से 75,000 देखने को मिल सकता है। मतलब दोनों फोन में हमें आराम से 10,000 का डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। स्पेक्स तो ठीक ही है, बट भाई वीवो के फोन के लिए कोई 65-70,000 खर्चा करेगा? आपका क्या सुझाव है नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं सर एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।